अदनान सामी का होगा म्यूजिकल क्विज शो और देवानंद ने कबूल किया अपना प्यार जीना तमान के लिए। मैं हूं सुप्रीत और आप देख रहे हैं पेज 3। है काफी डेडिकेटेड, इसलिए तो अपने बर्थडे पर भी बिजी रही ब्रांड प्रमोशन और अपनी नई फिल्म खोया खोया चांद के फाइनल शूट में। सोहा खास तौर से आई थी एक हाई टेक रिमोट कंट्रोल को प्रमोट करने और बर्थडे का पहला गिफ्ट रहा इस ब्रांड का एक प्रोडक्ट। सोहा अली खान बढ़ती टेक्नोलॉजी में रखती हैं काफी यकीन और अपनी निजी जिंदगी में भी वो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में पीछे नहीं, इसलिए वो जुड़ी एक ऐसे रिमोट कंट्रोल से जिससे एक साथ कई चीजों को ऑपरेट किया जा सकता है। जी, मैं टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद करती हूँ। आई जस्ट बॉट माय हाउस, तो मैं अभी हमारी ये कोशिश है कि मैं वो अपने घर को डिजिटल बनाऊँ, तो एक होम एंटरटेनमेंट सेंटर खरीदना है। सोहा अली खान अपने करियर को धीरे धीरे बढ़ाने में यकीन रखती हैं और बिना अपनी मां शर्मिला टैगोर की मदद और भाई सैफ के नाम का इस्तेमाल किए वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही हैं। साफ है कि उनकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल है उनके हाथ में। No, I don't think so. I think I'm definitely my own person. सोहा अली खान अपनी लाइफ का कंट्रोल तो किसी और को नहीं सौंपती, मगर किसी और की जिंदगी को भी कंट्रोल करके अपने इशारों पर चलने में विश्वास नहीं रखती। I don't think so. I'm very much live and let live. That's my philosophy. सोहा बहुत जल्द अपनी नई फिल्म खोया खोया चांद के साथ दर्शकों के सामने होंगी। इस फिल्म में सोहा 50s की एक बॉलीवुड स्टार के रूप में नजर आएंगी। साथ ही फिल्म से जुड़ी है सोहा की काफी उम्मीदें, लगता है इस बार तो वो अपना चांद पा ही लेंगी। मेघना जोशी, जूम मुंबई। कॉन्ट्रोवर्सी, स्कूप्स एंड टैंट्रम, कीप वॉचिंग पेज 3 ओनली ऑन जूम। इसको देखो।